केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपने देश के साथ जोड़ती है। हिंदी हमें अपने देश की एकता में मदद करती है और हमें अपने देश की प्रगति में मदद करती है। शनिवार को वे हिंदी दिवस पर कृष्णा गार्डन के सभागार में नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मांझी ने कहा कि हमें हिंदी का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन की हर कार्य संस्कृति में अपनाना चाहिए। हमें हिंदी में बोलना, पढ़ना और लिखना चाहिए और हिंदी के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का मूल मकसद हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराना है। इन्होंने विशेष रूप से शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हिंदी की महत्ता से लोगों को अवगत कराने में सहूलियत होती है। डॉक्टर एस के सुनील की अध्यक्षता और संतोष श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित समारोह में जिले के सेवानिवृत्त पत्रकारों के अलावा साहित्यकारों व कवियों को भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्मानित किया। मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, SP अरविंद प्रताप सिंह, SDO विकास कुमार के अलावा हम के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप, राम जीवन पासवान, भाजपा नेता रंजीत रंजन, डॉक्टर रोहित राज सहित विभिन्न सामाजिक उपकरणों के सैकड़ों प्रमुख लोग उपस्थित थे। सम्मान पाने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों में सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, राम नंदन प्रसाद सिन्हा, पत्रकार मदन शर्मा, शैलेश कुमार, सीताराम जी व राजकुमार को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर असंख्य कवियों, साहित्यकारों, शायरों, कलाकारों एवं अन्य कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर हिंदी दिवस की महत्ता को विस्तार से रेखांकित करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी को पढ़ना और लिखना आसान है। हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी के वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित है। वहीं इस मौके पर पत्रकार मदन शर्मा ने अपने शब्दों से माहौल को भावुक कर दिया। इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव एवं नागरिक विकास मंच का आभार जताते हुए कहा कि जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो हमारे साथ काम करने वाले कर्मी भी एक फूल लेकर हमारे पास नहीं आए। आज जिस तरह से मुझे सम्मानित किया गया है, मैं काफी भावुक हूँ और ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकार शैलेश कुमार ने कहा कि हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सभी अवकाश प्राप्त पत्रकार के साथ कवि, शायर तथा साहित्यकारों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा 2025 का डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति एक स्मारिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। और खास कर जो सेवा के बीच हुए हैं उनके लिए काफी भावुक क्षण है। जैसा कि आयोजक संतोष जी ने बताया कि हम लोग 4 साल पहले मैं राजकुमार शर्मा जी और शैलेश जी रिटायर हुए थे। जब रिटायर होने की बारी आई थी जहानाबाद में तो मैं और राजकुमार शर्मा था, शैलेश जी हाजीपुर में थे। जब समय आया, मैं 2 मिनट समय और फालतू संतोष जी पर न सिर्फ यहाँ के पत्रकार बल्कि यहाँ के नेतागण और जितने भी विद्यालय के संचालक थे, अधिकांश लोगों ने कहा कि आप लोगों का हम लोग पूरा पूरा सम्मान देंगे। इसने कहा कि टाउन हॉल भर जाएगा, कोई कहा कि हजारों आदमी का भोजन होगा। लेकिन जब मैं हम लोग रिटायर होने के बाद अपने दफ्तर से बाहर निकले तो अपने अखबार के लोग भी एक फोन देना मुनासिब नहीं समझा। आज हिंदी दिवस 14 सितंबर के शुभ अवसर पर हम लोग साहित्यकारों और जहानाबाद से अति वरिष्ठ पत्रकारों को के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी थे। जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक, विशेष रूप से उनका हम आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में उपस्थित हुई। अनुमंडल पदाधिकारी
के साथ साथ जिला के अन्य वरिष्ठ पत्रकार, कलाकार एवं सभी लोग इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भाग लिए। हिंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हिंदी के लेकर के मुझे यही कहना है कि 14 सितंबर 1949 से ये हिंदी दिवस मनाई जा रही है, और बस ये होता है कि 14 दिसंबर को ये खानापूर्ति के रूप में होता है। मैं उपस्थित सभी जनों से, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में लागू करें और इसको एक समृद्ध भाषा के रूप में बनाएं, क्योंकि हिंदी जो है मातृभाषा कहा गया है और हिंदी हमारी माँ के समान है। हिंदी और हमारी माँ में कोई अंतर नहीं है, और ख़ास करके जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है। हम आप सभी सुधीजनों से, हिंदी प्रेमियों से, साहित्यकारों से, कलाकारों से आज के दिन पर शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी माँ के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हिंदी को बढ़ावा दें, और ख़ास करके सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो हम लोगों को इसके लिए हिंदी भाषा में, कार्यालय में, सारे दफ्तरों में, खास करके सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में कोई कार्य नहीं होता है, जिससे हिंदी का विकास नहीं हो रहा है।